ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख लेट द ग्रास रूट ब्रीद और लाइमेंट में छपे लेख न्यू राजस्थान मूव इज अ वेलकम वन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दो के पॉलिटी खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं पंचायती राज और उसका विकास बीते 24 अप्रैल को देशभर में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया 2010 में पहली बार पंचायती राज दिवस मनाने के बाद इस दिन का आयोजन हर साल किया जाता है दरअसल पंचायती राज को शासन के लघु रूप में स्थापित करने का मकसद हाशिए पर जा चुके समूहों को सत्ता में भागीदार बनाना था हालांकि इस मकसद में पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंचायती व्यवस्था की स्थापना से समाज के दबे कुचले वर्गों को सशक्त करने की मुहिम को बल मिला है हालांकि पंचायती राज की स्थापना 1950 के दशक में ही हो गई थी लेकिन उन्नीस में इसे संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए लिहाजा गुजरे 26 सालों में पंचायती व्यवस्था ने गाँव के सूरत हाल में खासी तब्दीली लाई है महिला आदिवासी और दलितों को मिले आरक्षण ने इस व्यवस्था को समावेशी बना दिया है लेकिन सवाल है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की इन कोशिशों का भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है क्या वाकई में समाज के हर वर्ग को सत्ता में प्रतिनिधित्व मिला है पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के पीछे एक मकसद शक्ति का विकेंद्रीकरण कर ग्राम सभाओं को मजबूत करना भी था केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम कर स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया जाना भी इस पहल का मकसद था ऐसे में यह भी पड़ताल करने की जरूरत है कि क्या सत्ता के विकेंद्रीकरण की इस संकल्पना को अमली जामा पहनाया जा चुका है दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में पंचायती राज को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने और महिला आरक्षण की कामयाबी पर भी चिंतन मनन करने की जरूरत है आइए विचार करते हैं आइए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के सफर पर एक नज़र डाल लेते हैं दरअसल भारत में स्थानीय स्वशासन का इतिहास बेहद पुराना है उन्नीसवी शताब्दी में ही अठारह के आसपास तत्कालीन वॉयस लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी उस समय इसे मुकामी बोर्ड या लोकल बॉडी कहा जाता था फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की नींव डाली गई थी हालांकि उस समय यह व्यवस्था उतनी लोकप्रिय नहीं हो सकी थी क्योंकि देश में ग्राम स्वराज को स्थापित करना गांधी जी का सपना था लिहाजा जनवरी उन्नीस में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यों की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की गई इस समिति ने तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना की सिफारिश की जनवरी उन्नीस में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया अगले ही साल 2 अक्टूबर उन्नीस को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की नींव डाली इसके बाद 1977 में जनता पार्टी सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया इस समिति ने द्विस्तरीय पद्धति की सिफारिश की राजीव गांधी सरकार ने उन्नीस में जीवी के राव समिति और 1986 में एल एम सिंघवी समिति का गठन हुआ एल एम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की फिर 1988 में गार्डगिल समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशील बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की लिहाजा उन्नीस में राजीव गांधी सरकार ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए चौंसठवा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया हालांकि लोकसभा से यह विधेयक पारित तो हो गया लेकिन राज्यसभा से यह पारित नहीं हो सका उन्नीस में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लोकसभा में फिर एक संविधान संशोधक विधेयक पेश किया और इस बार यह विधेयक दोनों ही सदनों से पारित हो गया लिहाजा तिहत्तरवे संविधान संशोधन विधेयक उन्नीस सौ बानवे के रूप में पारित होकर यह चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे को लागू हो गया इस विधेयक के उपबंधों को दो हिस्सों में बांटा गया है जिन प्रावधानों को लागू करना जरूरी है उन्हें अनिवार्य उपबंध की श्रेणी में रखा गया है जबकि कुछ प्रावधानों को स्वेच्छा से लागू करने के लिए छोड़ दिया गया है पंचायती राज कानून में 20 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है जिन राज्यों की आबादी बीस लाख से कम है वहाँ पंचायत के दो स्तर मसलन ग्राम और जिला के स्तर पर ही व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है आइए जानते हैं इस व्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियां हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि पंचायती राज की स्थापना लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है यह व्यवस्था लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलने के उपकरण के रूप में काम कर रही है लेकिन फिर भी इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं सबसे बड़ी चुनौती कार्य और फंडों के पर्याप्त हस्तानांतरण के उपाय करने की है इसके अभाव में पंचायतें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती दरअसल अधिकतर राज्यों ने अपने यहाँ उन्हीं उपबंधों को लागू किया है जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं स्वैच्छिक उपबंधों पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश राज्य सरकारों ने नहीं की है लिहाजा ज्यादातर राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की, करने के प्रयास नहीं की, पंचायती राज की सफलता में दलगत राजनीति भी एक बड़ी रुकावट रही है सियासी दलों की दखल अंदाजी से पंचायतें धीरे धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तर्ज पर पंचायत चुनाव होने से इसमें भी धन बल और बाहुबल का प्रयोग चुनावी हिंसा और सियासी दुश्मनी भी खूब देखी जा रही है लिहाजा पंचायतों में भी दूषित राजनीति की शुरुआत हो गई है शिक्षा का अभाव भी पंचायत के सामने एक बड़ी चुनौती है ग्रामीण परिवेश में अमूमन साक्षरता दर कम होती है इस कारण महिला आरक्षण की संकल्पना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है अशिक्षित महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो जाने के बाद अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाती लिहाजा उनके पति उनके अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं इसी कारण मुखिया पति और सरपंच पति जैसी सोच विकसित हुई है जाहिर है महिला आरक्षण की संकल्पना अर्थहीन होती प्रतीत हो रही है इसके अलावा सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता और पंचायत द्वारा खुद राजस्व की उगाही न करना भी एक चुनौती है आत्मनिर्भर न होने से पंचायत विकास कार्यों के फैसले नहीं ले पाती राज्य वित्त आयोग के गठन से पंचायतों को सरकार द्वारा धन मुहैया तो कराया जाता है, लेकिन पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं इस कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। इससे इतर लाल फिताशाही भी एक बड़ी चुनौती है लाल फिताशाही के प्रभाव में इजाफा के कारण विकास कार्यों को पूरा करने में अनावश्यक रूप से देरी होती है जरूरी फाइलों का महीनों तक कार्यालयों में लंबित रहने और मुखिया सरपंचों को फंडों के अनुमोदन के लिए बार बार प्रखंड कार्यालयों में जाने से विकास कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं इससे घूसखोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्या भी ग्राम पंचायतों में आम होती जा रही है एक और चुनौती की बात करें तो पंचायतों की कमजोर संरचना भी पंचायत के कार्यों को प्रभावित करती है लगभग 25% फीसद पंचायतों में अभी भी कार्यालय भवन नहीं है अमूमन पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव नहीं होते फिर तकनीकी रूप से सक्षम न होने की वजह से सर्वेक्षण व नियोजन के आंकड़े या उससे जुड़े तथ्यों का संग्रह भी नहीं हो पाता लिहाजा कार्यों में तेजी नहीं आ पाती जाहिर है तमाम प्रावधानों के बाद भी पंचायतों में कई चुनौतियां विद्यमान हैं। ऐसे में सवाल है कि पंचायती व्यवस्था कितनी सफल हुई है गौरतलब है कि पंचायती राज की संकल्पना भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता है शक्ति के विकेंद्रीकरण की कोशिश की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की भारत में लगभग पांच हजार सांसद और विधायक के अलावा अट्ठाईस लाख ग्रामीण प्रतिनिधि है लेकिन सवाल है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की यह कोशिश कितनी सफल हुई है समाज के हाशिए समूहों को सत्ता का भागीदार बनाने की यह पहल कितनी कारगर है दरअसल पंचायती व्यवस्था को समावेशी बनाने की कोशिश काफी हद तक सफल रही है पंचायत के 28 लाख जनप्रतिनिधियों में लगभग 13 लाख महिलाएं हैं जबकि इनमें लगभग एक लाख सरपंच एस सी वर्ग से हैं इन 13 लाख महिलाओं में एससी एस के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं भी है इससे पता चलता है कि पंचायती व्यवस्था को समावेशी बनाने में काफी हद तक सफलता मिली है लेकिन मुखिया पति जैसी संकल्पना के कारण, महिलाओं को सशक्त करने की कोशिशों को झटका लगा है और यह समस्या कामयाबी की राह में बड़ी बाधा है दूसरी तरफ धन बल और बाहुबल के कारण स्थानीय निकायों पर सांसदों मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के घरानों एवं रिश्तेदारों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ना भी पैसे का खेल हो गया है जो कि गरीब और कमजोर वर्गों के बूते से बाहर हो गया है अगर पड़ताल की जाए तो पंचायतों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो में प्रगति देखी जा रही है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीने के पानी की आपूर्ति सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था शिक्षा और खाद्य सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में काफी मदद मिली है लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों पर वित्तीय सहायता के लिए निर्भरता ने विकास की गति को कम भी किया है एमपी और एमएलए लैड में मिले फंड्स का सांसद व विधायक अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं लिहाजा ग्राम पंचायतें हमेशा ही सांसदों व विधायकों पर निर्भर रहती है पंचायत को प्रत्यक्ष रूप से फंड न मिलने के कारण विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती है इससे गांवों में स्वराज की स्थापना का सपना साकार होता नहीं दिख रहा लेकिन दूसरी तरफ पंचायतों में वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा भी देखी गई है जाहिर है अधिकारों के मामले में पंचायती राज के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह वास्तव में देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है जिसका मकसद ग्रामीण समुदाय को विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना और उसे राष्ट्र की उन्नति में सक्रिय रूप से सहयोगी बनाना है लेकिन सही मायने में अब तक इन मकसदों को हासिल नहीं किया जा सका है अगर स्थानीय स्वशासन का वास्तविक परिणाम पाना है तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के घरों को बेहतर शिक्षा से लैस करना होगा इससे आम आदमी न केवल राजनीति के प्रति जागरूक होगा बल्कि अपने अधिकारों को भी समझ सकेगा तभी स्थानीय निकायों के कार्यों का नियमित सोशल ऑडिट हो सकेगा और जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्वों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा ऐसे में जानकारी और समझ के अभाव के कारण हो रहे भ्रष्टाचार और गबन पर भी रोक लग सकेगी साथ ही शिक्षा के जरिए ही महिला आरक्षण को सफल बनाया जा सकता है कई राज्यों ने 50% महिला आरक्षण जरूर कर दिया है लेकिन साक्षरता दर को बेहतर किए बिना इस कवायत के मंशे को हासिल नहीं किया जा सकता दूसरी तरफ सत्ता के लोभ के कारण ग्राम स्तर पर भी राजनीति के कुप्रभाव दिखने लगे हैं राजनीतिक दलों के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण पंचायत स्तर की राजनीति भी राज्य और केंद्र स्तर सरीखे लगने लगी है। चुनाव प्रचार से लेकर बूथ स्तर तक जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है ऐसे में पंचायत को दलगत राजनीति से बचाने के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दलों के दखल पर नियंत्रण किया जाए उन्हें पंचायत चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करना एक उपाय हो सकता है इससे इतर पंचायतों को आत्मनिर्भर करने के लिए उसको कई अधिकार दिए जाने की भी जरूरत है समझना होगा कि लोकतंत्र की सार्थकता तभी है जब गांव से लेकर संसद तक प्रत्येक स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी हो गांव का देश होने की वजह से भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब इसकी आत्मा के रूप में गाँव की प्रगति हो और गाँव का सर्वागीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है लिहाजा जरूरी है कि योजनाओं के बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाए इसमें पंचायती राज को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करने के लिए बेहतर हो कि पंचायत अपनी योजना खुद तैयार करे और फिर उसे लागू भी करे समझना होगा कि सही मायने में शक्ति का विकेंद्रीकरण तभी होगा जब पंचायत के प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए इससे न केवल पंचायतों में आत्मनिर्भरता आएगी बल्कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को भी साकार किया जा सकेगा स्थानीय स्तर पर राजस्व की उगाही के लिए पंचायतों को भी कर वसूलने के अधिकार दिए जाने की जरूरत है हालांकि पंद्रह वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए फंडिंग में इजाफा जरूर किया है लेकिन राजस्व उगाही में पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने से विकास कार्यों में देरी और भ्रष्टाचार समेत तमाम विसंगतियों पर रोक लगाई जा सकेगी बहरहाल पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए जरूरी है कि यह आम जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करे इसलिए यह बहस होनी ही चाहिए कि जिन मकसदों को हासिल करने के लिए पंचायती राज की नींव डाली गई थी उसमें कितनी कामयाबी मिल सकी है तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल पंचायती राज संस्थाओं की सरकारी निधि पर निर्भरता स्थानीय स्वशासन की मूल भावना पर चोट करने जैसा है इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए